दिल्ली इंडिया गेट थी मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया सुधीनी पर्यावरण जागृति संदेश लईने रिटायर कंबाडो टीम निकली छे, जेने गुजरात पोलिस ना एसआरपी ग्रुप खाते स्वागत करायो हतो। देश की रक्षा करवाना हेतु साथे भारतीय सेना में जवानों देश सेवा माटे जीवन न्योछावर करता होय छे, परंतु केटलाक एवा जवानों छे जेओ फरज माथी रिटायर थया बाद पण मानव समाज माटे जागृतिना काम करता रहे छे। आवाज एक शुभ आशय साथे भारतीय सेनाना रिटायर कमांडो प्रवीण कुमार पर्यावरण जागृतिनो संदेशो लईने निकळ्या छे। दिवसेने दिवसे कपाता जंगलो अने वृक्षोनो निकंदनने लई पर्यावरण सामे मोटो पड़कार उभो थयो छे। गुड मॉर्निंग एवरीबडी, आज यहां पे प्रवीण त्रेवटिया 2081 मार्कोस के कमांडोस अपनी टीम के साथ एसआरपी ग्रुप 11-11 के हमारे कैंपस में पधारे। ये हमारा सौभाग्य है कि ये पूरी टीम यहाँ पे आई और एक देश की सुरक्षा के लिए उन्होंने जो अपना योगदान दिया है वो हम कोई उसको ये नहीं कह सकते। अभी उन्होंने दिल्ली से लेके मुंबई तक के एक ट्रैवल किया है, इसमें जन जागृति का संदेश है और सबके साथ टीम के साथ जा रहे हैं, यहाँ पे आए, इसके लिए मैं बहुत सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरी टीम के साथ हमने एक वृक्षारोपण का भी एक कैंपस में आयोजन किया। इस ग्रुप के कमांडेंट हेतल पटेल सर और हमारी टीम्स ऐसे कार्यक्रम के लिए हमेशा हमको उत्साहित करती रहती है, तो पूरी टीम एक यहाँ सूरत से बाइकर ग्रुप्स भी इनके साथ में आया है, तो ये अच्छा लगा ये कार्यक्रम में हम सब उपस्थित रहें। श्री तेवटिया उन्होंने बहुत मुंबई के अंदर जो अपना एक देश सेवा में जान की बाजी लगाई है, कमांडोस का काम किया है, वो हम उसको भूलेंगे नहीं, और उनका ये सफ़र सबको हमको एक ऐसी राष्ट्रभावना की याद दिलाता रहेगा। थैंक यू। पर्यावरण अंगे लोको वधु जागरूक बने ए हेतु साथे दिल्ली इंडिया गेट थी मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया सुधीनी वन जागृति टीम साथे 15 दिवस में 1500 किलोमीटर नी यात्राए निकळ्या छे, अने जेओनो कामरेजना वाव खाते आवेल गुजरात पोलिस ना एसआरपी कैम्प खाते स्वागत करायु हतु, अने ज्या बाइकर्स क्लब साथे वृक्षारोपण पण करवामां आव्यु हतु। सभी को रिटायर्ड मरीन कमांडो प्रवीण कुमार तेवतिया का नमस्कार। आज हम यहाँ पर सूरत में हैं और ये एसआरपी कैंप के अंदर हम आए हैं, और डीवाईएसपी अनिल पटेल जी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से हमारी टीम का वन जागृति टीम का बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत किया, और यहाँ पर हमने एक वृक्षारोपण का एक आयोजन किया है जहाँ पर हमने पेड़ लगाए हैं, क्योंकि पेड़ ही जन जीवन है और हमारा जीवन है। आज जिस तरह से पॉल्यूशन हर जगह पर फैल रहा है, तो हमें ज़रूरत है जगह जगह पर पेड़ लगाने की और जगह जगह पर छोटे बड़े जंगल लगाने की, क्योंकि ट्री प्लांटेशन में हम ये सेलेक्ट नहीं कर पाते कि कौन सा पौधा नेटिव है और कौन सा पौधा यहाँ की प्रजाति का नहीं है। तो एयर पॉल्यूशन कम करने का सबसे सही माध्यम है नेटिव पौधे ही लगाएं। नेटिव पौधे लगाएंगे तो वहाँ पर ज़मीन जो है वो पर्टिकुलर वहीं की उसी पौधे को सपोर्ट करती है, अगर वहाँ का पौधा नहीं है तो वो ज़मीन उस पौधे को सपोर्ट नहीं करती है। प्लस कोई पौधा है वो हमेशा ग्रीन रहता है तो वो ज़्यादा पानी की मात्रा लेता है, तो उससे ज़मीन का जो पानी का जो स्तर है वो भी कम होने लगता है। तो ये वृक्षारोपण का आयोजन एसआरपी कैंप में हुआ है, इसके लिए मैं डीवाईएसपी अनिल पटेल सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। प्लस गुजरात पुलिस के लिए मैं जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि आप भी अपना योगदान जंगल लगाने में प्लांटेशन लगाने में आगे भी करते रहें, क्योंकि हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को क्या दे रहे हैं, एक शुद्ध हवा अगर हम उनको दे पाते हैं तो इससे बेहतर कुछ भी उनके लिए नहीं होगा। पर्यावरण जागृति संदेश लेने वन जागृति टीम निकली छे, जेनुं प्रतिनिधित्व रिटायर कमांडो प्रवीण कुमार करी रह्या छे, के जेओ 26/11 मुंबई अटेक वखते
ફરજ બજાવી હતી અને અનેક લોકોના જીવ બચાવ્યા હતા, જે માટે તેઓને શૌર્ય ચક્રથી સન્માનિત પણ કરવામાં આવ્યા હતા। તેમના વાર વિવિધ જગ્યાએ જઈ પર્યાવરણ જતન અંગે સંદેશો આપવા આવી રહ્યો છે। જય હિન્દ। મેરા નામ હિતેશ સોમવંશી હે, મે સુરત સે હું। और हमारा एक बाइकर्स ग्रुप है, सूरत बाइकर्स ग्रुप एंड कमांडो ट्रेनिंग स्कूल। तो आज हमें एक न्यूज़ मिला कि हमारे प्रवीण सर जो है रियल लाइफ के हीरो प्रवीण सर जो 2611 के वॉरियर हीरो है, शौर्य चक्र अवॉर्डी है और आयरन मैन इंडिया भी रह चुके हैं, उनके साथ में एक्स मार्कोस का टीम है, प्रभु सर है, ओंकार सर है, मनीष सर है और यहाँ पे सेल्फ राजीव सर हैं और यहाँ पे प्रवीण सर और बाकी मेरे सारे बाइकर्स फ्रेंड हैं। सर एक मिशन पे हैं जो दिल्ली से मुंबई रन कर रहे हैं वन जागृति अभियान, और आज हमारा एसआरपी ग्रुप के थ्रू वेलकम करने में आया है अनिल पटेल डीवाईएसपी सर, पीआई डीएन परमार सर के थ्रू, और एसआरपी में सर के द्वारा वृक्षारोपण किया गया और एक मैसेज दिया जाता है कि आने वाली पीढ़ी और आने वाली फ्यूचर को बचाने के लिए हमें जितना हमें सांस की ज़रूरत है, अगर हमें सांस लेना है तो हमें पेड़ भी लगाना होगा। तो वो संदर्भ में एक हमने वृक्षारोपण भी किया और एक अवेयरनेस मैसेज जगाया। सभी को नमस्कार, मेरा नाम ओंकार सिंह है। ये यात्रा जो हमने इंडिया गेट दिल्ली से 10 नवंबर को सुबह शुरू की थी, ये यात्रा अब बढ़ चली है मुंबई की ओर। आज यात्रा के 13वें दिन की शुरुआत है और हम सूरत से शुरू कर रहे हैं। इस यात्रा का मकसद लोगों को हमारे पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है और पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए, इसको संजोए रखने के लिए जो सबसे बेहतर माध्यम है वो ये है कि हम जंगल लगाएं। केवल पेड़ लगाने की बातें पुरानी हो चुकी हैं और उनसे अब काम नहीं चलने वाला है। जंगल लगाने इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि ये जो समस्या जो है उसको हम 10 गुना बेहतर तरीके से एड्रेस कर पाएंगे और पर्यावरण को हम हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर कर पाएंगे। अभी तक हम तकरीबन 1150 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं और 24 तारीख की शाम के आसपास हम लोग मुंबई के आसपास होंगे। मैं आह्वान कर रहा हूं मुंबई वासियों का कि 26/11 का जो मौका है उस मौके पे हमारे साथ जुड़िए और इस मुहिम को हमारे अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमारा साथ दीजिए। आप सभी के सहयोग से हम भारत के अलग अलग हिस्सों में छोटे बड़े जंगल लगा रहे हैं और आगे भी लगाना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और इन जंगलों को बनाने में हमारी सहायता कीजिए, हमारी मदद कीजिए। ये यात्रा कितने दिन की, कहां से कहां तक की थी? ये यात्रा 10 नवंबर को दिल्ली से शुरू हुई इंडिया गेट से और 15 दिन में 1500 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए, जिसमें दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात को पार करते हुए हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई तक पहुंचेंगे। ये 1500 किलोमीटर तकरीबन का सफ़र 15 दिन में हम पूरा कर रहे हैं और उद्देश्य जो है वो लोगों को वनों के प्रति जागरूक करने का और लोगों को हमारे साथ जोड़ने का है, ताकि हम सभी के सहयोग से छोटे बड़े जंगल हर जगह पे लगा पाए। रमेश खंबाती, दिव्यांग न्यूज़, कड़ोदरा, सूरत।